क्लास 12 का ये दृष्टि दोष का न्यूमेरिकल है आपका। इसमें देखिए लिखा है -2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का उपयोग करके करने वाले व्यक्ति को दूर बिंदु कितनी दूर पर होगा। एक चीज़ याद रखिए, दूर बिंदु निकालने का मतलब होता है ही का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। यू आप क्या लेंगे? अनंत। ये क्षमता जो आपने डिक्लेयर किया है ना, क्षमता तो जानते हैं पी बराबर होता है 100/f, है ना। तो f बराबर क्या हो जाएगा? 100/p। अब मान रख लीजिए तो 100/-2d, 2d तो मात्रक है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 50 माइनस का, ये आ गया आपका कितनी फोकस दूरी होगी। तो लेंस सूत्र कहता है v-u/1/f, ठीक है। तो यहाँ आप कितना रखेंगे? -50। यहाँ कितना रखेंगे? अनंत माइनस का। और ये आपको भी निकालना है, ये 0 हो जाएगा, 1/v = -1/50, ठीक है। तो v = 50 cm, यानी 50 सेंटीमीटर दूर तक उसके दूर बिंदु हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति को, निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति का मतलब होता है उसे दूर का नहीं दिखाई देता, उसे दूर स्थित वस्तु नहीं दिखती, ये कंफर्म जान लीजिए आप, है ना। 1 मीटर की दूरी तक देख सकता है, मतलब अनंत की चीज़ कहाँ आ गई? 1 मीटर पर। यानी आपका भी का मान कितना होगा? 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर। यू कहाँ होगा? अनंत पे। तो उसे टहलने के लिए किस प्रकृति, प्रकृति मतलब उत्तल या अवतल, कितनी फोकस दूरी, यानी एफ, है ना। यहाँ एफ बताना है, यहाँ क्या बताना है? उत्तल बताना है या अवतल बताना है, ठीक है। तो देखिए 1/v = v - 1/u = 1/f, ठीक है। v आपका हो गया -100, है ना, ये आपका 1 मीटर का 100 दूर बिंदु है, ये आपकी अधिकतम, ये माइनस हो जाएगा अनंत बराबर 1/f, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -100/1/f, यानी f बराबर हो जाएगा -100 सेंटीमीटर, है ना, ये आंसर आ जाएगा। यानी कितनी फोकस दूरी का लेंस होगा? 100 सेंटीमीटर का। किस प्रकार का होगा? अवतल। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ठीक। एक और देखिए, एक मनुष्य का दूरस्थ बिंदु 2 मीटर पे है, यानी ये क्या है आपका? भी। कितने मीटर? 2 मीटर। 2 मीटर का मतलब 200 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? कितनी क्षमता का, किस प्रकार का लेंस चश्मे में लगाना होगा ताकि वो अनंत की वस्तु देख सके, यानी यू अनंत। तो 1/f = 1/v - 1/u। 1/f = ये आपको देखना है 200 मीटर तक, और ये हो जाएगा अनंत, यानी 1/f = -200, ये हो जाएगा 0। तो f = -200 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, हो गया ना। किस प्रकार का लेंस, यानी लेंस तो अवतल हो गया, है ना, लेकिन वो बोला है किस तिनी क्षमता का, क्षमता निकालना होगा इस लेंस की। तो हम कर सकते हैं p = 100/f, है ना। तो 100/200, है ना, तो p = हो जाएगा -0.5 डायोप्टर, इतनी क्षमता का अवतल लेंस प्रयोग करना होगा। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के पीड़ित व्यक्ति, दूरदृष्टि दोष का जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसे निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती। कहाँ की नहीं दिखाई देती? निकट की। निकट का मतलब 25 सेंटीमीटर तक की, है ना, नहीं दिखाई देती। तो उसकी दूर की व्यक्ति, दृष्टि दोष के पीड़ित व्यक्ति का कम से कम 50 सेंटीमीटर दूर वस्तु दिखती है, दिखती है मतलब ये भी हो गया, ठीक है। सही दृष्टि के लिए किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा, यानी क्षमता का मतलब पी आपको, ठीक है। तो यू इसका कितना लेंगे? निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना।
तो आप इसको यूज कर लेंगे, वन अपान एफ बराबर वी माइनस यू, एस सूत्र है आपका, ठीक है। तो वन अपान एफ बराबर हो जाएगा वी का मान कितना रखेंगे 50, इसका मान कितना रखेंगे 25। याद रखिएगा ये दृष्टिदोष में जितने भी यू वी के मान होते हैं वो सब ही आपके क्या रखे जाते हैं, माइनस में रखे जाते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए इसको हल करेंगे तो वन अपॉन एफ बराबर हो जाएगा तो आपका 1/25, ये प्लस का और ये 50, ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है। इसको हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 50 माइनस 25 बटे 25 गुणे 50, यानी 25 गुणे 50 कैंसिल हो गया, यानी 1/f बराबर आया आपका 50, यानी f बराबर आया 50 सेंटीमीटर। लेकिन आपको ये कैसा लेंस हुआ, उत्तल लेंस लगाना होगा, ठीक है। क्षमता क्या होगी, P बराबर 100 बटे 50, यानी P बराबर प्लस 2 डायोप्टर, ठीक है। अगला देखते हैं, ये भी उसी तरह का सवाल है जैसे उसमें 50 सेंटीमीटर पे था इसका दूर बिंदु, अब यहाँ पे कितना है 150। तो लिखा है एक दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट बिंदु 150 पे है, यानी ये आपका क्या है भी है, 25 सेंटीमीटर पर रखी यानी यू हो गई, पुस्तक को पढ़ना चाहता है कैसा, कितनी फोकस दूरी का, है ना, कैसा और कितनी, कैसा मतलब उत्तल होता, कितनी फोकस दूरी मतलब फोकस दूरी। तो कैसा तो आपको समझ में आ गया होगा कि दूरदृष्टि दोष है तो उत्तल का यूज होता है चश्मे में, तो ये सूत्र लगा सवाल लगाएंगे तो ये भी हो जाएगा, ये यू हो जाएगा, ये क्या आपका सूत्र, इसे लेंस सूत्र कहते हैं। तो वन अपॉन एफ बराबर एफ आप निकाल रहे हैं, यही आप निकाल रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा -150, माइनस में ही लेंगे, याद रखिएगा ये सारे दूरियां माइनस में लेंगे क्योंकि ये सारे कहाँ होते हैं, नेत्र के सामने, इसीलिए माइनस लेते हैं, ये -25। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/25 माइनस 1/50, हल करेंगे तो ये हो जाएगा 150 माइनस 25 बटे 25 गुणे 150, ये तरीका है, यहाँ कर दीजिए दोनों का गुणा कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 125, ये कितना हो जाएगा 25 गुणे 50, 25 125 125, हाँ 15, तो ये हो जाएगा 1/f = 1/30, यानी f बराबर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, और लेंस कैसा होगा उत्तल, समझ आ गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का न्यूनतम इतने मीटर की दूरी, यानी ये आपका ही 0.50 मीटर, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। निकट बिंदु कहाँ है, U कितने पे है 25, 0.25 मीटर पे, इसको भी अगर हम 100 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ये सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्लियर। अब हमें कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा, यानी ये F निकालना है ना, किस प्रकार लिखा है, तो किस प्रकृति का, प्रकृति तो उत्तल है आपका, आपको समझ में भी आ रहा होगा धीरे धीरे, कई सवाल आपने लगाया है। यहाँ पे भी का मान आप कितना रखेंगे 50, यू का मान कितना रखेंगे 25, दोनों मान माइनस में आपने रखा है, तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 50, ठीक है, ये प्लस होगा ना, दोनों माइनस माइनस में लिखे, ठीक है। तो 1/f बराबर हो जाएगा 50 माइनस 25 25 गुणे 50, ठीक है, थोड़ा हल कर देंगे तो 25 बटे 25 गुणे 50 आ जाएगा, ओके कैंसिल हो गया, तो 1/f बराबर हो जाएगा 50, हो गया ना। तो फोकस दूरी पूछा था आपका, फोकस दूरी पूछा था, ये बराबर 50 सेंटीमीटर, कैसा लेंस हो गया उत्तल लेंस, ठीक है, आपको समझ में आ गया।
तो इसे आप थोड़ा ठीक से समझिएगा, बहुत कठिन सवाल नहीं होता, आपको आसानी से आएगा।